आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 तक मैं बता चुका था, डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 और 10 का आज बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, 9 से कौन कौन से नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो देखिए, 9 से वे सभी नंबर्स डिविजिबल होंगे जिसका जो सम है ना, जिसका जो नंबर कोई दिया गया है, उन नंबर्स का में जो डिजिट्स होते हैं उनका हम सम करेंगे, सम करने पर 9 आना चाहिए, वही नंबर्स 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको। 1850 दिया हुआ है, 54। यदि ये नंबर्स हमको दिया गया है और हमें टेस्ट करना है क्या यह जो नंबर है वह 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो देखिए क्या करना है, सभी नंबर्स का प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स का नहीं, डिजिट्स का, ये जो नंबर दिया गया है 1854, तो इसके सभी डिजिट्स को प्लस कर देना है। देखिए, 1+8=9, 9+5=14, 14+4=18 आएगा, कितना आ जाएगा, 18। तो देखिए ये जो 18 है, ठीक है, 18 का फिर से प्लस कर दो, 1+8 होगा, ठीक है। तो 1+8=9 कितना आया, 9, देखिए 9 आया। तो इस तरह से ये नंबर 9 से कम्प्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अब 10 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो देखिए, यदि कोई नंबर दिया गया है उसका वंस प्लेस पर ये लास्ट का जो डिजिट है वह यदि 0 हो तभी वह नंबर्स कम्प्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए 2750 है, यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर 0 है, मींस यह जो नंबर्स है वह 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आई होप 9 और 10th का भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट का। By the rules of divisibility, find out whether the given number are divisible by the given factor. ठीक है, तो यहाँ पर इसका टेस्ट करेंगे हम, कौन कौन से डिविजिबल होंगे, जो डिविजिबल होंगे वहां पर राइट का साइन देंगे और जो डिविजिबल नहीं होगा वहां पर क्रॉस का साइन देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फर्स्ट फैक्टर दिया है 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 1842, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, वंस कॉलम में इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। यदि ऑड नंबर होगा तो वह डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि इवन नंबर या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तभी वह नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, वंस प्लेस पर ये होने चाहिए इवेंट नंबर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखो वंस प्लेस पर 2 है, 2 इज अ इवेंट नंबर, सो दैट इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पर देखिए 0 है, 0 है मीन्स हो जाएगा, ठीक है, तो राइट का चिन्ह देंगे। यहाँ पर भी देखो 0 है तो ये भी हो जाएगा डिविजिबल 2 से। 8 है यहाँ पर तो 8 इवेंट नंबर है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, ये भी डिविजिबल होगा। 3 है, देखिए ऑड नंबर आ गया तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 2 से 4 डिविजिबल है, ठीक है, 2 भी इवेंट नंबर है और 8 भी इवेंट नंबर है, तो ये भी डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट का मैं रूल बताया था, 3 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं 3 को टेस्ट करने के लिए, 3 से कौन कौन से संख्याएं डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो मैं पिछले क्लासेस में बताया था कि 3 से वही नंबर्स डिविजिबल होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सभी नंबर्स को प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस करने के बाद जो सम आता है वह 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो सभी को प्लस कर दो, सभी डिजिट्स को, 8+1=9, 9+4=13, 13+2=15, तो 15 डिविजिबल है 3 से, है ना। 15 क्या होगा, 3 से डिविजिबल, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये डिविजिबल होगा 3 से। यहाँ पर भी प्लस करो, 9+5=14, तो 14 डिविजिबल नहीं होगा 3 से, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर 1070, तो डिजिट से का प्लस कर दो तो 7 + 1 = 8। क्या 8, क्या 8 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4218, तो 4 + 2 = 6 और + 1 = 7, 7 + 8 = 15 होगा। तो 15 3 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा। तो राइट का चिन्ह देंगे, 1 + 8 = 9, 9 + 3 = 12, 12 भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 भी 3 से डिविजिबल होता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट है 9 + 3 = 12, 12 + 4 = 16, 16 + 4 = 20, 20 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता, तो क्रॉस का साइन देना है यहाँ पर। 7 + 5 = 12, ठीक है, 7 + 5 = 12, 12 + 5 = कितना होगा 17, ठीक है, 12 + 5 = 17, 17 + 2 = 19, 19 क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 7 + 4 = कितना होगा 11, 11 + 8 = 19, 19 + 8 = 27, 27 3 से डिविजिबल होता है। अब 4 का चेक करते हैं, 4 से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल होती हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होते हैं? तो मैं बताया था लास्ट का 2 डिजिट को देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट यदि 00 है और यदि 4 से कम्प्लीटली 2 डिजिट डिवाइड हो जाता है लास्ट का, तो वह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पर 42 दिया है, लास्ट का 2 डिजिट को देखना है। तो 42 क्या 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है? तो 4 1 4 ये नहीं होगा, ठीक है, 42 नहीं आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट को देखो, यहाँ पर लास्ट में एक डिजिट 0 है, यदि दोनों डिजिट 0 होते तभी वह 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता, ठीक है, नहीं होगा डिविजिबल। यहाँ भी देखो एक ही डिजिट इसका 0 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 18 क्या 4 से डिविजिबल होगा? 18 नहीं आता 4 के टेबल में, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं होगा। 30 डिविजिबल होगा क्या? नहीं, देखो यहाँ पर एक ही 0 है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 43 नहीं होगा। 44 यहाँ पर देखिए, 4 ये जो 44 है वह 4 से डिविजिबल होगा। 52 4 1 जा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, होगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, ये भी 88 भी हो जाएगा 4 से डिविजिबल। नेक्स्ट है 5 से कौन कौन से नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं? तो 5 से डिविजिबल होने के लिए वंस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वह 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ 1848 में देखिए, वंस प्लेस पर 2 है, यदि 0 होता है या फिर 5 होता है तभी कम्प्लीटली 5 से वह डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो दैट 1842 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर 0 है मीन्स यह डिविजिबल होगा, यहाँ भाई वंस प्लेस पर 0 है मीन्स डिविजिबल होगा। यहाँ पर 8 है, तो 8 है तो नहीं होगा, ठीक है, डिविजिबल। यहाँ पर 0 है वंस प्लेस पर तो डिविजिबल होगा। यहाँ पर 3 है तो नहीं होगा। यहाँ पर 4 है नहीं होगा। यहाँ पर 2 है 2 भी नहीं होगा। यहाँ पर 8 है तो ये भी नहीं होगा, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 से तभी वह कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 से वही नंबर्स कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं जो 2 और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 2 से भी और 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। देखो 1842 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 950 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल 6 से भी नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए तभी 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखो 1070 इज डिविजिबल बाई 2 एंड नॉट डिविजिबल बाई 3। 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा।
तो 6 से भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 4218 दोनों से डिविजिबल है 23 से, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अगला है 2043 टू से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, इससे डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें देखो 2 से है बट 3 से नहीं है तो नहीं होगा, 2 से है बट 3 से नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ 2 और 3 दोनों से है तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 से डिविजिबल का कंडीशंस मैं बताया था कि 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिमेनिंग जो नंबर सा होते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 जा 4, तो 4 माइनस 4 2 जा 4, यहाँ पर देखो 2 जा कितना होगा 4 और 184 क्या हो गया आपका रिमेनिंग नंबर हो गया, तो 4 को माइनस करो। ठीक है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 8 का 8 180 आया। ठीक है, 180 आया, तो फिर से 20 जा 0, यहाँ पर देखिए 18 आएगा, फिर से यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये या तो 7 आना चाहिए तभी होगा, तो नहीं आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ भी देखो 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 02 जा 2 ही आएगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 82 जा ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 2043 है ना, 2043 ये भी डिविजिबल नहीं होगा। 32 जा 6 है, 2043 में देखो 32 जा 6 होगा, तो 204 माइनस 6 है इक्वल टू कितना होगा, 14 माइनस 6 है इक्वल टू 14 माइनस 6 है इक्वल टू 8 हो गया, और यहाँ पर आ गया 118। ठीक है, 18 आ गया, ये भी नहीं होगा डिविजिबल। तो इस तरह से टेस्ट करना है, ठीक है, और सभी को आप लोगों को बना के देखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखो 7 से डिविजिबिलिटी का मैं रूल्स पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 72 जा 14, इसका टेस्ट करके देखते हैं। 72 जा 22 जा 4, 7552, इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना होगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर फिर से 72 जा 14 होगा। ठीक है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 7 माइनस 6 इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। या इस तरह से भी आप टेस्ट कर सकते हो, 7 से कटा दो, 7 10 जा 70 7 1 जा 7 1 जा 7 4 जा 7552 दिया हुआ है, 7552। तो देखिए 7 से आप इस तरह से कटा भी सकते हो, 7 1 जा और 7 7 जा 49 6 7, ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो रूल क्या है 7 से डिविजिबल होने का, लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग जो नंबर्स है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तभी वह कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, और बना के सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू।